अरे साथ में बोला रे, साथ में बोली अरे 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 रे अरे सलाम वालेकुम अरे अरे अस्सलाम अस्सलाम भैया एक जबरदस्त प्लान लेके आया हूँ। सैटरडे संडे मंडे तीन दिन छुट्टी आ रही, विकाराबाद के रिजॉर्ट चले जाएंगे। चल लेंगे ना भाई, अच्छा ही से ना बैठ के बोरिस हो रहा है अपने। चलो राइट, तो मैं एक बार रतीक भाई को बोल देता हूँ। देख भाई पका लेना कर लेगा अपने को वहाँ पे। पैसे तो देने का नहीं है ना रे भाई, उसके पैसे नहीं है रे भाई। बस उतना तो अपने पेट को तो अपन ने पका लिए कर लेंगे। क्या बात का, आओ ले लेंगे जी, वो ले लेंगे रे भाई। छोटे मोटे भाई डन है, देखो फ्राइडे नाइट निकल जाते हम लोग। ट्यूजडे मॉर्निंग में तो मंडे नाइट बोलो यार। नहीं ट्यूजडे मॉर्निंग निकलेंगे राइट। करना भी क्या है, इलेक्शन है यार। मंडे इलेक्शन डेट क्या है, 13 तारीख। अरे यार पहले बोला ना यार तुमने बात नहीं को। अपन प्लान बनाई, इलेक्शन आ रहा, अपना क्या काम है, छुट्टी रहती है, प्लान बनाया। पहले बोलेगा क्या है इसमें, क्या बात कर रहे यार तुम। इलेक्शन आ रहा, अपना क्या काम रहा था। अरे अपना इस तो काम रहा था इलेक्शन को। अरे क्या तू ठहरा एमपी के वास्ते, इन्हें ठहरा मैं ठहरा, ठहरे कौन रे भाई। अपना काम रहता, अपना क्या काम है रे भाई। अरे अपना काम वोट डालना है यारो। अरे अपने दो चार वोट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई, दो चार वोट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता फिर। अरे भाई तो एक वोट की कीमत क्या है मालूम रे। अरे यार वोट की कीमत हर एरिया में अलग अलग है, बाद जगह 1000 रूपए है, बाद जगह 2000 है, बाद जगह चावल का थैला है, बाद जगह समझ गया ना वो है, बाद जगह 5000 है। तू बोल तू कितनी कीमत लिया सो है। आ बेटा लौंडपना कर रहे क्या यारो तुम लोग फिर। अरे तुम लौंडपना कर रहे क्या यारो। अच्छा जान दे रहे लौंडपना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कितने पैसे का वोट है, मैं बोल रहा हूँ एक वोट की कीमत क्या है। तुमला वो पठान फिल्म देखे शाहरुख खान क्या बोला, इंसान को हर जगह उंगली करने की आदत रहती, जहाँ करना है वहां नहीं करता बोलते। अरे यार वो वोट हमारा क्या है, हक है, वोट डालना हमारी ड्यूटी है। अगर हम वोट डालेंगे तो वो इंसान आएगा जिसको हम लाना चाह रहे हैं। अब वो कितने का वोट है बोले, अरे भाई अगर तू पैसे लेके उसको वोट डालेंगा कल के दिन तू उसके पास जाएगा, भाई हमारा ये काम है करा दो ना एमपी साहब, बोले तो क्या बोलता, रे तुम मेरे को वोट डालने के वास्ते पैसे लिया, अब तेरा काम करने के वास्ते मेरे को पैसे दे बोलता। आप एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, तू वोट डाल लिया तो तेरे काम हो जाते। हाँ। बैगन भी नहीं होते। हाँ जी, पैसे लेके वोट डाला तू गया तो काम नहीं करता, तू बगैर पैसे लिए डाला तो भी क्या काम होता रहे तेरा। इसके वास्ते बोलते ना यारो अच्छे इंसान को चुनना, इसके वास्ते वोट डालना और फ्री में वोट डालना, पैसे ले लेके नहीं डालना। सर आपका ईमान नहीं बचना आप। अरे हाँ बोल क्या बोल रहा, बोल अच्छा इंसान कौन है। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ भाई, अच्छा इंसान कौन है सबको मालूम है। जो इंसान गरीबों का दर्द रखता, जो इंसान माइनॉरिटी का दर्द रखता, जो इंसान दलितों का दर्द रखता, जो इंसान कमजोरों का दर्द रखता, वो अच्छा इंसान है। अरे भाई ये तो काम बयाना सुन रहा तू, ऐसा लेक्चर दे रहा गरीबा अरीबा, ये क्या है रे भाई, कहाँ है तू। अरे भाई लेक्चर का क्यों सुनते रहे यार, कॉमन सेंस की बात है। जो इंसान दूसरों की तकलीफ के वास्ते आवाज उठाता, जो इंसान दूसरों की मजबूरी के वास्ते आवाज उठाता, वो इंसान अच्छा रहता। अच्छा रहता रे भाई, रहता का ये बोल मेरे को पहले, रहता ऐसा कोई है गरीबों की मदद करने वाला, फलाना करने वाला फलाना, तू है जी इसके वास्ते बोल रहे। तुम कहाँ रह रहे, हैदराबाद में रह रहे ना। अरे भाई है ना को बोल, पहले जमाने में थे लोग, अब कौन है रे भाई। है बोल रहा भाई, है कौन जी, तो अभी भी है जी। बोल दो मामा तुम, बोल कौन है, कौन है, बोल बोलो तुम नाम बोलो। अरे यार असद साहब, यार असद साहब की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में एक ऐसे वाहिद एमपी है जो मजबूरों पे मजलूमों पे जो जुल्म हो रहा हो, जिसके साथ ज्यादती हो रही, जो माइनॉरिटी के साथ ज्यादती हो रही, दलित एसटी एससी जिसके साथ जुल्म हो रहा, उनके हक मारे जा रहे, तो उनके वास्ते अकेले वाइट शख्स से जो आवाज उठाते हाँ लड़ते उनके वास्ते। अरे यारो तुम ना जो ऐसे वैसे इंसान को वोट नहीं डाल के वहां जाके पार्टी करेंगे बोल रहे हैं भाई, जाएंगे पार्टी को इतवार की रात को आ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वोट डालना हमारा हक है, अगर हम हमारा हक अदा नहीं करेंगे तो सामने वाला भी अपना हक अदा नहीं करता। आज तुम्हारा देख के 200 और चार लोग आने करेंगे, और चार लोग आने करेंगे भाई, खतरे खतरे से समुंदर बनता भाई। अगर एक एक खतरा भी कम होते गया ना, समझे आप मुश्किल में आते। अगर आप अच्छे इंसान को चुन के नहीं लेंगे तो जालिम आ जाएगा, अपोजिशन आ जाएंगी, जीना हराम करके रख देते भाई। 10 साल में बैगन में मिला दी उसमें,
एनआरसी निकाल दिए, हाँ वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो जा रहा, हाका मार दे रहे, क्या बोल रहे सुनिए नहीं यार आपको, अगर आपकी बार फिर से अगर वो हुकूमत आ गई तो वोटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, हाँ माइनॉरिटीज के जो है वोटिंग राइट्स छीन लेंगे। भाई वक्त से पहले इंसान समझ जाना तो होशियारी है, हाथ से जब निकल गई चीज तो जब कुछ भी नहीं उखाड़ ले सकते, अगर हमारा आदमी रहेगा तो हमारे लिए आवाज उठाएगा। समझने वाली बात है यार, वो तुम्हारे अगर आराम करना है या जी करना है तो दो दिन देंगे, मैं भी चलता भाई, हफ्ता इतवार देंगे, फिर के दिन आएंगे सीधा सीधा जाके वोट डालेंगे। घर में सबको बोलो आप, जो आपके जितने बुजुर्ग है, जो आपके बच्चे है, जो 18 प्लस है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, नहीं है तो फटाफट बनाने लगाओ, वोट डालने लगाओ अच्छे। और जो है सो जो इंसान जिसके अंदर मिल्लत के आस्ते, उम्मत के आस्ते, जिसका दर्द है गरीबों के आस्ते, वो इंसान को जीतो आप। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? असद साहब आवाज उठाते नहीं उठाते, बात सही से बात करते नहीं करते, फिर भाई फ्राइडे सैटरडे संडे कर दो आप, वही बोल रहा हूँ भैया, बात को समझो, वोट डालो आप, अच्छे एमपी को लाओ, वो जो है हमारा भी अच्छा करते, दुनिया का अच्छा हो जाता भैया। देखो कैसा है मालूम है, एक 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 अच्छे इंसान की दुनिया टिकी हुई है। वो तो तुम्हारी एक बात पॉइंट है भैया, असद साहब है जो हर किसी के, उनको ऐसा नहीं है कि इन्हें चाहता उन्हें चाहता, हर किसी के चाहते है भाई। अरे भाई पूरे वर्ल्ड में भाई कई को चाहते हैं आप, बोल कुछ लेना देना है कुछ भी नहीं। डन भाई, एक काम करेंगे, मंडे के दिन पहली फुर्सत में वोटा डाल देंगे रे भाई, और अपन बेहतरीन तरीके से जिताएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शानदार कामयाबी, जबरदस्त मार्जिन से जीतना हो फोटो डाल रहे फिर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई वोट डाल के आवाज वोट की फोटो डालना है अपने ग्रुप के साथ, डालना डालना राइट राइट। अच्छा उनका मोनोग्राम तो बोलो यार कौन सा है। अरे पतंग है ना यारो, अरे यारो पागल बाता कर रहा है, संक्रांति में क्या उड़ाते हैं यारो, मैं भूलिया था भाई, पतंग ही थे पहले नंबर पे आता था, आगे दबा देने की रहती भैया, राइट 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 भैया, चलो भाई तुम जाओ, हम हमारे देख रहे थे हम, चला बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियां 3 दिन की छुट्टी मिलती है पर निकल जाएंगे। अरे दिल की बात बोल दिया यार, देखो यही कर रहे थे हरकत वाल लगा, अरे अपने कई बच्चे ऐसी कर रहे हैं बड़े भाई, छुट्टी मिल जाए घूमने निकल लेंगे, वहां चल लेंगे यहाँ चल लेंगे, भाई वो छुट्टी आपको इलेक्शन की मिली तो आपको जो है सो जाके वोट डालना है, इसके ऐसे छुट्टी दिए तो। और देखो भाई वोट डाल भी आप ऐसे इंसान को वोट डालिए जो माइनॉरिटी के लिए, हाँ दलितों के लिए, ST SC के लिए जो आवाज़ उठाते, कमजोरों पे जो जुल्म होता, जो ज्यादती होती, उन सब के लिए पूरे पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाते उस इंसान के लिए वोट करिए। और आप सबको मालूम है वह शख्स कौन है, आपके हमारे हम सब के चाहते जनाबे आली मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनको वोट डालिए और जिताइए इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से उन्होंने सो आज तक हैदराबाद के आवाम के वास्ते जो करते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे, और उम्मीद है हमारे उनसे उसी तरह की, तो इंशाल्लाह ताला तो हम भी वोट डालेंगे उनको, डाल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, आप लोग अभी डालिए, और ये इलेक्शन में जो है सो अपना पूरा हक अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।